Hello guys, this is Muskan and welcome to Say Hello to Fitness. Sorry, मैंने last week कोई video upload नहीं की because I was little bit busy. So today I presents a cold coffee recipe, dark chocolate cold coffee. You think dark chocolate and cold coffee healthy combination? Yes, ये healthy combination हो सकता है. So let's get started. उसके लिए हमें ये सब चाहिए. Here I have one Nescafe coffee powder. You can use any. I have some dark chocolate. Double tone milk लिया है मैंने यहाँ पे. और ये है सब्जा basil seeds. मैंने water में soak करके रखा था for about 10 minutes. और उसके बाद है 2-3 ice cubes. अब एक empty bowl लेना है. उसमें हम अपना coffee powder add कर देंगे. और उसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा वार्म वाटर, लिटिल बिट ऑफ वार्म वाटर. ब्लैक कॉफ़ी जैसे लगेगा ये. और उसके बाद हमें ऐड करना है डार्क चॉकलेट. मैं यहाँ पे थोड़ी भी शुगर ऐड नहीं करूँगी बिकॉज स्वीटनेस के लिए यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ. और उसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. अभी एक प्रॉपर स्टर करना है जैसे उसके लम्ब्स ना हो. Mix it well and make sure कि वो dark chocolate ही होना चाहिए और कोई chocolate add बिल्कुल मत करना इसमें, otherwise वो proper taste नहीं आएगी. And here मैंने properly mix कर दिया है. See इसमें कोई lumps नहीं है अभी. अभी blender लेना है, उसमें हमें अपना mixture add करना है. अभी हम अपने आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे इसमें. और ये है डबल टोन मिल्क. मैं सेम बाउल में डाल के मिक्स करके फिर ब्लेंडर में ऐड करूँगी. मैं मोस्टली ये कॉफ़ी अपने लंच टाइम में लेना प्रेफर करती हूँ. और यहाँ कहीं पे बाहर जाना होता है तो ये इजी कैरिंग मील है. आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं इजी कैरिंग मील्स बहुत अपलोड करती रहती हूँ. और उसके बाद हमें अपना बचा हुआ मिल्क इसमें ऐड करना है एंड वी हैव टू ब्लेंड इट. एंड आफ्टर ब्लेंडिंग दिस इज हाउ इट लुक्स. सी कितना अट्रैक्टिव एंड वाइब्रेंट कलर है इसका. और उसकी टेस्ट तो उससे भी अच्छी है. अब एंड में हमें ग्लास में ये शिफ्ट करना है. और उसमें हमें बेसिल सीड्स जो हमने सोक करके रखे थे वो ऐड कर देना है. बेसिल सीड्स को आप चिया सीड्स से भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन बेसिल सीड्स PCOD PCOS पेशेंट्स भी ले सकते हैं, जबकि चिया सीड्स वो लोग कंज्यूम नहीं कर सकते. एंड मोस्टली बेसिल सीड्स और चिया सीड्स की टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, दोनों की टेस्ट ऑलमोस्ट सेम रहती है. ये कॉफ़ी आपको ऑलमोस्ट 3-4 घंटों तक फुल रखेगी, बहुत फिलिंग रहती है ये. और एंड में हमें इसको मिक्स कर देना है. गिव इट अ क्विक स्टर. अब ऊपर से हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा डार्क चॉकलेट शेविंग्स टू मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव. जो चॉकलेट लवर्स हैं, कॉफ़ी लवर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. और ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो गई. सी हाउ वाइब्रेंट इट्स लुकिंग. सो डू ट्राई दिस एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज. Thank you.